Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Ridhi Agarwal and I'm here with the next chapter of 12th NCERT Chemistry, that is Unit 13. तो आज हम अमाइंस के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं बात करना, तो इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि हमने बाकी लेक्चर्स पढ़े हैं. तो आज हम अमाइंस के स्ट्रक्चर, नॉमनक्लेचर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. ओके सो गाइज, मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग MCQs की प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे. अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs की प्रैक्टिस करनी है या मॉक टेस्ट देने हैं तो उसके लिए आप एक साइट है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक. आप उसे विजिट कर सकते हो और वहाँ से आप पेड टेस्ट खरीद सकते हो. वो आपको कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. सो ये मेरा वीडियो चल रहा है जैसे, तो आप नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है साइट का लिंक मिल जाएगा. तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नई विंडो ओपन होगी. तो ये पूरी साइट जो है हमारी वो ओपन अप हो जाएगी. उसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस फॉर फ्री को क्लिक करना है. इसको जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे एक और हमारी चीज जो है ओपन हो जाएगी जिसमें हमें साइन अप करना होगा. साइन अप पे हम जाके क्लिक करेंगे. यहाँ पे मेल डालना है. उसके बाद आप कोई भी पासवर्ड चुन सकते हो. अब यही पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है, सेम होना चाहिए. अब आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे. जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे ईमेल पे जो है वो एक मेल आ जाएगा. तो अब हम अपने मेल आईडी पे जाएंगे. तो मेल आईडी पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है क्वेश्चन बैंक. कभी कभार ये स्पैम में भी चले जाते हैं तो अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना. अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद क्वेश्चन बैंक, टू एक्टिवेट योर अकाउंट जस्ट फॉलो दिस लिंक. अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो साइट हमारी इस तरह से ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पे नीट के सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें सबसे ऊपर हमारा जो है फ्री टेस्ट रहेगा, उसके बाद सारे हमारे पेड टेस्ट रहेंगे. इसके अलावा अगर आप MHT CET या फिर गुजरात CET या KCET इसकी तैयारी कर रहे हो या JEE मेन्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके सो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. सो अमाइंस कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप. तो अमाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. और ये मिलते कैसे हैं, जैसे ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसमें से हमने एक या दो हाइड्रोजन एटम्स निकाल के उनकी जगह एल्काइल या अराइल ग्रुप लगा दिए. जैसे ये NH3 है हमारा यहाँ पे, तो मैंने ये वाला जो H है इसको रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो ये बन गया CH3NH2. तो ये एक अमाइन बन जाता है. नाउ इन नेचर दे अकर अमंग प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, एल्कलॉइड्स एंड हॉर्मोन्स. तो नेचर में हमें ये प्रोटीन्स में मिल जाएंगे, वाइटामिन्स में मिल जाएंगे, एल्कलॉइड्स में, हॉर्मोन्स में, सब में ये प्रेजेंट होते हैं. नाउ सिंथेटिक एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स पॉलीमर्स, डाई स्टफ्स एंड ड्रग्स. तो नेचर में तो हमें इन चीज़ों में मिलते हैं ये. अगर हम सिंथेटिक एग्जाम्पल्स देखें अमाइंस के तो वो होता है पॉलीमर्स, ड्रग्स, डाइज जो होती हैं हमारी वो. नाउ टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एड्रेनलिन एंड एफेड्रिन बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप आर यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर. तो ऑलरेडी हम जो है एड्रेनलिन के बारे में बात कर चुके हैं जब हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था बायो का. तो वही इसमें आ रहा है कि दो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनका नाम है एड्रेनलिन और एफेड्रिन. इन दोनों में ही सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है, यानी कि 2 डिग्री वाला, और ये दोनों ही ब्लड प्रेशर बढ़ाने के काम में आते हैं. नाउ नोवोकेन विच इज अ सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री. तो नोवोकेन जो है वो एक सिंथेटिक कंपाउंड है, अमाइनो कंपाउंड है, जो कि डेंटिस्ट्री में एनेस्थीजिया देने के काम में आता है. हालांकि अब ये यूज नहीं किया जाता है, पहले यूज किया जाता था. अब जो है लिग्नोकेन या फिर लीडोकेन जो है वो यूज किया जाता है. ओके नाउ बेनेड्रिल विच इज अ वेल नोन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आल्सो कंटेन्स टर्शरी अमाइनो ग्रुप. तो बेनेड्रिल तो आप लोग सब पीते हैं जब आपके कॉफ वगैरह होता है तब, तो वो एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है और इसमें टर्शरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है. नाउ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज एज सर्फेक्टेंट्स. और जो 4 डिग्री वाले यानी कि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं हमारे, उनको हम सर्फेक्टेंट्स की तरह काम में लेते हैं. सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिस भी लिक्विड में डिजॉल्व रहते हैं उसकी सरफेस टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं. नाउ डायजोनियम सॉल्ट्स आर इंटरमीडिएट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइज. तो डायजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें डाइज भी इंक्लूडेड है, तो उसमें इंटरमीडिएट्स की तरह बनते हैं वो, बीच बीच में जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट्स. तो जो ये अमाइंस वाला हमारा चैप्टर है इसमें हम अमाइंस और डायजोनियम सॉल्ट्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम
अमाइंस के पूरे स्ट्रक्चर फंक्शंस और जो भी उसके यूजेस हैं या जो भी उसके केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायजोनियम सॉल्ट्स को पिक करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे अमाइंस से। तो अमाइंस जो है दे कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेंड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन टू और ऑल द थ्री हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप्स। तो अमाइंस को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, यानी कि NH3 के डेरिवेटिव हैं, जिसमें हम या तो एक हाइड्रोजन एटम निकाल के उसको रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम्स निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं, या तीन हाइड्रोजन एटम्स निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमने जैसे एक हाइड्रोजन एटम निकाला और उसको CH3 से रिप्लेस किया तो वो बन गया हमारा CH3NH2, या फिर उसको हमने C6H5 से रिप्लेस किया तो वो बन गया C6H5NH2। ऐसे ही अगर हमने दो हाइड्रोजन एटम्स निकाल दिए तो वो बन जाएगा हमारा CH3NH CH3, इस तरह से। या फिर हमने तीनों हाइड्रोजन एटम निकाल के उसको CH3 से रिप्लेस कर दिया तो वो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये चीज़ होती है। नाउ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम अमाइंस के। सो लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अमोनिया की तरह अमाइंस का भी जो नाइट्रोजन एटम होता है वो ट्राइवेलेंट होता है और उसमें एक अनशेयर्ड पेयर रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ द नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमाइंस आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज एंड द ज्योमेट्री ऑफ अमाइंस इज पिरामिडल। तो ऑलरेडी हम केमिकल बॉन्डिंग वाले जो लेक्चर है उसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है तब स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो इस वजह से इसका जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का है उस वजह से ये रहेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज ये, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पिरामिडल शेप की होगी इस पेयर की वजह से, इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से। नाउ ईच ऑफ द थ्री sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द अमाइंस। अभी जो तीन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है हमारी नाइट्रोजन की वो या तो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल से ओवरलैप करती हैं या फिर कार्बन से, डिपेंड करता है कि अमाइन में क्या प्रेजेंट है। अगर तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन से ओवरलैप करेंगी, अगर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके कार्बन से ओवरलैप करेंगी, ये सब चीज़ है। नाउ द फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइंस कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो चौथी ऑर्बिटल होती है उसमें एक अनशेयर्ड पेयर रहता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एंगल ऑफ CNE वेयर ई इज सी और एच इज लेस देन 109.5 डिग्रीज। तो क्या है, अब ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसकी वजह से कार्बन नाइट्रोजन और ई, अब ई जो है वो एच भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा वो 109.5 डिग्रीज से कम रहता है। जैसे अगर हम ट्राई मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमें, ये यहाँ पे एक, ये दो, ये तीन और ये चार, इस तरह से। तो ये CH3 है हमारा, ये CH3 है, ये CH3 है और ये जो है हमारा वो अनशेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का। तो जो ये वाला हमारा एंगल है CH3 CN C वाला जो एंगल है हमारा वो 108 डिग्रीज रहता है, जो कि 109.5 डिग्रीज से कम है। तो ये पिरामिडल शेप हो गई, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस तरह का एंगल हमारा रहता है। हो गया क्लियर। अब चलते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की तरफ। सो अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी दैट इज 1 डिग्री, सेकेंडरी दैट इज 2 डिग्री एंड टर्शरी दैट इज 3 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप्स इन अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अमाइंस को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, डिपेंड करता है कि हमारे कितने हाइड्रोजन एटम्स को हमने रिप्लेस किया है एल्काइल या अराइल ग्रुप से। नाउ इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस बाय अराइल और एल्काइल ग्रुप तो हमें मिलेगा RNH2, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप से हम रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर अराइल से कर रहे हैं तो ARNH2। तो अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमीन। फिर अगर हम दो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। तो ये जो हमारे R और R' है ये सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे CH3NH CH3 भी हो सकता है या फिर CH3NH C2H5 भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन। वो मैंने आपको जो पहले बताया था कि अगर हमने इस H को भी हटा दिया तो यहाँ पे हम एक R डबल डैश लगा सकते हैं। ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, दो सेम भी हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है और तीनों अलग भी हो सकते हैं। ओके, सो ये हमारा जैसे हो गया अमोनिया। अगर हमें 1 डिग्री बनाना है तो 1 डिग्री हो जाएगा हमारा RNH2, 2 डिग्री हो जाएगा हमारा RNH R डैश
और 3 डिग्री हो जाएगा हमारा आर एन आर डैश और आर डबल डैश। हो गया क्लियर। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि है नॉमेनक्लेचर। सो इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमाइन, दैट इज अल्काइल अमाइन एज वन वर्ड। तो कॉमन सिस्टम में अगर हम देखें तो एक एलिफेटिक अमाइन को हम कैसे नाम देंगे, अल्काइल ग्रुप जो है वो लगा देंगे उसके आगे अमाइन के आगे, यानी कि अल्काइल अमाइन लिखेंगे। जैसे मिथाइल आ गया तो मिथाइल अमाइन, इथाइल आ गया तो इथाइल अमाइन, इस तरीके से। नाउ इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस व्हेन टू और मोर ग्रुप्स आर सेम द प्रीफिक्स डाई और ट्राई इज अपेंडेड बिफोर द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अब सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में हमारे दो या तीन ग्रुप्स होंगे, तो अगर वो सेम है तो हम डाई या ट्राई लगा देंगे अल्काइल ग्रुप के नाम से पहले, जैसे डाई मिथाइल अमीन या ट्राई मिथाइल अमीन, इस तरह से। नाउ इन IUPAC सिस्टम प्राइमरी अमाइंस आर नेम्ड एज एल्केनामाइंस। IUPAC सिस्टम में प्राइमरी अमाइंस को हम एल्केनामाइंस का नाम देते हैं। द नेम इज डिराइव बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ई ऑफ द एल्केन बाय द वर्ड अमाइन। तो इसमें क्या करते हैं, हम जो एल्केन का ई है उसको हटा के उसकी जगह अमाइन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2 है हमारा, तो ये मिथाइल ग्रुप है हमारा, तो हम इसको मीथेन लिखेंगे, तो मीथेन का ई हटा के हम इसके आगे लगा देंगे अमाइन, तो ये हो जाएगा हमारा मीथेन अमाइन। देन इन केस मोर देन वन अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस इन द पेरेंट चेन, देयर पोजीशंस आर स्पेसिफाइड बाय गिविंग नंबर्स टू द कार्बन एटम्स बियरिंग NH2 ग्रुप्स एंड सुटेबल प्रीफिक्स सच एज डाई ट्राई एटसेट्रा इज अटैच टू द अमाइन। तो अब अगर एक पेरेंट चेन पे अलग अलग पोजिशन पे हमारे एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनकी पोजीशन को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, कार्बन एटम्स की नंबरिंग देके जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर हम जैसे भी सूटेबल हमारा प्रीफिक्स होगा डाई ट्राई वो सब लगा देंगे। नाउ द लेटर ई ऑफ द सफिक्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिटेन, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो ई लेटर होता है सफिक्स का उसको हम एज इट इज रखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे है CH2 CH2 और इन दोनों पर ही हमारा अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2 NH2, तो इसको हम कैसे नाम लेंगे, इथेन 1,2-diamine। ओके, देन टू नेम द सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस वी यूज लोकेंट N टू डेजिग्नेट सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। अब सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को नाम देना है तो हम कैसे देंगे, जैसे हमारे पास है CH3 NH CH2 CH3, तो इसको हम कैसे नाम देंगे, N मिथाइल अमाइन, या फिर हमारे पास जैसे है CH3 CH2 whole thrice N, मतलब N के तीनों जो सब्सिट्यूएंट है वो इथाइल हैं, तो इसको हम देंगे नाम NN diethyl ethanamine। हो गया क्लियर। अब चलते हैं हमारे अराइल अमाइंस पे। सो इन अराइल अमाइंस NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो अराइल अमाइंस में क्या होता है, जो NH2 ग्रुप होता है हमारा वो बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच रहता है इस तरीके से। सो ये जो हमारा कंपाउंड है C6H5NH2, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है अराइल अमाइन का। तो कॉमन सिस्टम में इसको हम एनिलीन बोलते हैं और ये एक एक्सेप्टेड IUPAC नेम भी है, लेकिन जब हम अराइल अमाइंस को IUPAC सिस्टम के थ्रू या उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं उनकी, तो जो अरीन का ई है लास्ट वाला उसको हम रिप्लेस करके उसकी जगह अमाइन लगा देंगे। तो जैसे अगर हम इसका IUPAC नेम निकालें तो क्या होगा, बेंजीन है हमारा ये, तो बेंजीन का जो लास्ट ई है उसको हटा देंगे और हमारा अमाइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बेंजीनामाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं हमारे अल्काइल और अराइल अमाइंस का। सो मैं होप करती हूँ कि आपको तीनों चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम प्रेपरेशन जो है हमारे अमाइंस की उसके बारे में और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में बात करें। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और 11th और 12th केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वहां से जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।